भाई साहब, आप सभी व्यूअर्स को मेरे प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे, सभी इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो भाई आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के कैंपिंग वीडियो लेके आ गया हूँ, एक नई कैंपिंग वीडियो। तो ये वीडियो सोलो भी हो सकती है और डुओ भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक बंदा आया नहीं अपना दूसरा वाला। और 6:08 हो चुके हैं, 5:30 बजे मैं दुकान से निकला था। तो अभी मैं छेड़ापानी नामक जगह पर हूँ। छेड़ापानी चाय टी गार्डन है, चाय का बगीचा, वहाँ जा रहा हूँ मैं। और लोकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, सनसेट होने वाला है, टाइम हो रहा है 6:08। ठीक है, लोकेशन दिखा देता हूँ फटाफट। ये है रोड जहाँ से मैं आया हूँ। देखो, देख रहे हो कैसी रोड है, यहाँ पे चट्टान ही चट्टान है पूरी की पूरी। और भाई ये है अपनी धन्नो बाइक, यहाँ तक लेके आया हूँ मैं। और ये पूरा जंगल है, पूरा बहुत भयानक जंगल है, खतरनाक जंगल है। मतलब यहाँ आने से पहले कह रहे थे कि शेर भी है यहाँ करके, तो फिर भी आया हूँ मैं। और मुझे जाना है वो सामने, वो जो ओपन एरिया दिख रहा है वहाँ जाना है, उतनी दूर जाना है। और यहाँ वो पेड़ के पीछे आपको रेड रेड दिख रहा होगा, वहाँ सनसेट हो रहा है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, आप लोगों को ले चलता हूँ आगे की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं टी गार्डन के आसपास, और टी गार्डन की बाउंड्री दिख रही है यहां पे मुझे, और सामने सनसेट क्या हो रहा है। वाह, थकान हो गई भाई, देख रहे हो, ये देखो सामने सनसेट। वाह, और ये बाउंड्री लाइन है और ये टी गार्डन है, यहां का बहुत ही खूबसूरत है। ओए होए होए होए, चारों तरफ जंगल, मेरे पीछे देखो चारों तरफ जंगल। वाह, क्या नज़ारा है। ओहो, एक आंखों का धोखा हो गया वहां से यार, ये तार बाड़ दिख नहीं रही थी। तो मुझे लगा था वो जो घर दिख रहा था ना, टूटा हुआ घर, वो तार बाड़ के बाहर है करके। लेकिन बंजर जमीन में वैसे चट्टी गार्डन के उसमें तो नहीं है, लेकिन तार बाड़ पूरी लगाई है। मैं यहाँ पे सामान छोड़ के जा रहा हूँ। ये यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है, और ये तार बाड़ लगी हुई है पूरी, देख रहे हो। और मैं जा रहा हूँ वो ऊपर, वहाँ देखता हूँ क्या लोकेशन मिल पाती है वैसी जाने लायक, क्योंकि दूर से दिख रहा था इतना प्लेन प्लेन खेत है ना यहाँ पे, तो बढ़िया था यार। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद तो भाई लेकिन थोड़ा पीछे, मतलब उतनी अच्छी तो नहीं है, उबड़ खाबड़ा हल्की सी, लेकिन अच्छी जगह है जहाँ पे टेंट लग सकता है। तो वहाँ पे टेंट लगा के वहीं कैंपिंग करूँगा मैं आज आप लोगों के लिए, और अपनी स्ट्रेस मिटाने के लिए, पूरी जो हफ्ते भर की जो थकान होती है, जो स्ट्रेस होती है भाई, वो कैंपिंग से ही ख़त्म हो पाती है अपनी तो। ओहो, यहाँ तो है ही नहीं जगह भाई, लोकेशन ही नहीं है अब ऐसी जहाँ कैंपिंग कर पाऊँ मैं। वरना अंदर तो इतनी अच्छी लोकेशन है ना, लेकिन अंदर जाना सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये देख रहे हो कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे टूटा हुआ घर है, और इस साइड पे चाय पत्ती का बागान है उस साइड पे, लेकिन यहाँ पे खाली जगह है यार यहाँ पे तो, और इस साइड पूरी खाली जगह है उधर आगे आगे तक। तो अभी वापस जा रहा हूँ मैं नीचे, और नीचे वहीं कैंपिंग करता हूँ नीचे भाई। चलिए फिर चलते हैं आगे और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और भाई वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना ऊपर, एकदम पहाड़ी टॉप, वहाँ है क्रांतेश्वर महादेव का मंदिर। और भाई फाइनली अब यहीं पे मुझे कैंपिंग करनी पड़ेगी, जगह तो अच्छी है नहीं, उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहीं पे करनी पड़ेगी अब। ये है लोकेशन, देखो ये जगह है, यहाँ पे मुझे कैंपिंग करनी है अभी। और पीछे की तरफ जंगल है, इस साइड पे टी गार्डन है पूरा, और इस साइड पे भी जंगल है। ये सामने बुरांस के फूल दिख रहे हैं इसमें पेड़ में, और यहाँ से नीचे को देखो खाई है पूरी, ये नीचे पूरी खाई है, ये पूरी नीचे को ढलान है और खाई है, और ये पूरा जंगल है। वो देखो सामने पूरा जंगली जंगल है पूरा का पूरा, और उधर वो सामने आग भी लगी हुई है, आजकल जहाँ देखो वहाँ आग ही आग लगे रहती है। तो चलो फिर फटाफट टेंट लगाता हूँ, है ना, उसके बाद आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ।
फ्रेंड्स ये है हिसालू या एहसालू, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये खाने में। तो भाई टेंट तो सही जगह पे लगा दिया है फिलहाल, और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इधर सामने की तरफ जंगल है और जगह इतनी खूबसूरत है ना, बहुत ही प्यारी जगह है यार, जगह बहुत ही प्यारी जगह है, एक नंबर जगह है। और क्या बताऊँ यार मैं आप लोगों को, चंदा मामा दिख रहे हैं आसमान में, तारे भी दिखाई देने लग गए, और यहाँ ऊपर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर में भजन भी लगे हुए हैं। तो पहले एक कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे की एक्टिविटी देखेंगे, क्या कर पाता हूँ, कुछ कर पाता हूँ कि नहीं, वरना आज बिना खाए भी सोना पड़ेगा। और सोलो कैंपिंग, अब सोलो कैंपिंग होने वाली है, ये अब नहीं आने वाला भाई कोई, अगली बार से किसी को नहीं बुलाएंगे भैया। मैं दो दो मैट्रेस लेके आया हूँ, देख रहे हो, मैंने कहा यार चलो लेके चलता हूँ खाली, दूसरे बंदे को ज़मीन में सोना पड़ता है, तो चलो मैट्रेस पे सो जाएगा। भैया क्या करें यार, चलो कोई नहीं, और अब जाके मुझे पता चल रहा है भाई मैं कब भी लाना भूल गया हूँ अपना जो चाय पीता था, जिसमें कॉफ़ी पीता था, वो कब भी लाना भूल गया हूँ। आया तो पता नहीं क्या क्या भूल के आया हूँ मैं। क्या हो गया यार, जल्दी नहीं रहा भयंकर। जल क्यों नहीं रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई गैस ही नहीं जल रही अब तो, आज कांड हो गया, आज भूखे रहना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अब जल ही नहीं रही है यार ये गैस, पता नहीं क्या हो गया इसको। मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब यार आज ये जल ही नहीं रहा है, गैस नहीं जल रहा भाई, लो ही लगता है मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा आज, अब तो सही होने वाला है भाई, क्योंकि जल ही नहीं रहा यार ये। जल गया, जय हो जय हो, जल गया फाइनली यार, जल ही गया आखिरकार। ओह थोड़ी राहत मिली कि भाई फाइनली जल गया है ये गैस, अपनी जल गई भाई फाइनली, इतनी देर की मशक्कत के बाद। अरे भाई साहब ये क्या चीज़ है, देखा आपने गैस में आग लग गई भाई, बाल बाल बच गया, बाल 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 नहीं बचा, बाल ही जल गए हाथ के। क्या हो रहा है यार, लीक कर रही है क्या ये गैस, मुझे लग रहा है एक कांड होता है और कुछ नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं यार, फ्लेम में काम करना पड़ेगा भाई, कभी भी आग लग सकती है इसमें,
जैसा अभी आपने देखा। खतरा है बहुत ज़्यादा यार इन गैसों में, पता है एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब मैं कॉफी एंजॉय करता हूँ। आज मैं कप लाना भूल गया था। टाइम हो गया है 7:30, तो थोड़ी देर IPL देखता हूँ। अगर नेटवर्क आते हैं तो, नेटवर्क यहाँ पे है नहीं वैसे, कम है मतलब, है लेकिन कम है, तो थोड़ी देर IPL ही देखा जाए फिर कैसा। तो भाई अपने को लग रही है भूख, तो एक काम करता हूँ मैं, खाना बना लेता हूँ। ठीक है फटाफट खाना बनाता हूँ भाई। थोड़ा सोयाबीन है, थोड़ी सी दाल है और थोड़ा चावल है, तो तीनों को मिक्स करके पुलाव टाइप में बना लेता हूँ। और भाई ठंडा हो रहा है अब तो, भाई आग भी नहीं है बाहर आजकल, आग जला नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि फायर से जाने तो आग जला के भाई फैलने का डर है, इसलिए मैं आग कुछ नहीं जला रहा हूँ आजकल। ठीक है तो चलो फिर खाना बनाता हूँ फटाफट। ठीक है तो थोड़ी देर इनको भिगा देता हूँ मैं ऐसे, उसके बाद बनाऊंगा खाना जब ये भीग जाएंगे अच्छे से। खिचड़ी टाइप में कुछ बना लेता हूँ खाने के लिए। भाई लगभग हर कैंपिंग में नॉन वेज ही बन रहा था इससे पहले, अब आज वेज बना लेता हूँ कुछ ना। भाई इसको जलाने में तो बहुत डर लग रही है मुझे अब। तो भाई खाना तो बन चुका है मेरा, लेकिन थोड़ी देर इसको अब ऐसे ढक के रख देता हूँ ताकि स्टीम में, अगर कम पका होगा तो स्टीम में ऐसे ही पक जाएगा। थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद खाना स्टार्ट करूँगा। खाना बन चुका है तो इसको फटाफट खा भी लेता हूँ मैं, क्योंकि ठंडा हो रहा है फिर तो, फिर अच्छा नहीं होता है ठंडा ना। खिचड़ी है एकदम पतली सी खिचड़ी,
तो भाई चलो अब सो जाता हूँ यार, नींद भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा और टाइम भी हो गया आपको सोने का, 9:37 9:30 हो गया है, सो जा रहा हूँ, नींद आ रही है अब मुझे। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे सुबह, फिलहाल अभी सो जाता हूँ, ठीक है। तो भाई हो चुकी है सुबह, लगभग हो गई यार 56 हो गया, 4:56, और 3 बजे से नींद नहीं आई है यार। यहीं बगल में ही जो मैंने साउंड सुनाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, जो आपने साउंड सुना होगा बारासिंगा का, वो यहीं पे चलने लग गया था बगल में, धम 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 करके आवाज़ आती है, इतना बड़ा होता है, हैवी होता है, उसके चलने की आवाज़ ऐसे आती है ना भाई, क्या ही बताऊँ। और सुबह सुबह भजन सुनने को मिल रहे हैं क्रांतेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से। तो चलो फिर भाई 5 बजे निकला बाहर की तरफ देखते हैं, क्योंकि चिड़ियाएं तो चहचाने लग गई हैं काफ़ी ज़्यादा, और बाहर जाके देखता हूँ भाई कैसा है सीन अभी, है ना, ठीक है। उसके बाद फटाफट निकलना भी है आज तो भाई। ओ भाई क्या गजब का व्यू है, मज़ा आ गया। चिड़ियों की चहचहाट के बीच सुबह की ये खूबसूरत बेला, वो क्रांतेश्वर महादेव की लाइट्स जली हुई हैं ऊपर पहाड़ी पर। तो अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, सुबह सुबह जो सुकून देती ना वो यही चीज़ होती है, और अर्ली मॉर्निंग अगर उठ जाओ तो सबसे बेस्ट रहता है, अगर उठ पाओ तो वाली बात है। मज़ा आ जाता है सुबह सुबह उठने में, और ये जब साउंड सुनते हैं भैया बाहर की, कितनी सारी चिड़ियाँ हैं यहाँ पे, सो फ्रेंड्स अभी अब आज की वीडियो के अंत की तरफ आ गया हूँ मैं भाई, 5:30 हो गया है, तो आज मैं बहुत जल्दी निकल रहा हूँ भाई। लोकेशन यहाँ की, मतलब लोकेशन तो इतनी ज़बरदस्त है ना क्या बताऊँ यार, सुबह सुबह जो चिड़ियाओं ने उठा रखा ना मुझे, और बारासिंगा ने जो उठाया ना सुबह आके भाई, हमारी भाषा में जड़े बोलते हैं उसको, जो उठाया उसने भाई यहीं पर चलने लग गया था बगल में, धड़म 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 आवाज आने लगी, साउंड भी सुना होगा आपने वीडियो में। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी, ठीक है। ये देखो पैकिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है, और अब टेंट निकालना बाकी है, फटाफट टेंट निकालता हूँ, टेंट निकाल के फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी मज़े लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ कैंपिंग करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर करता हूँ ख़त्म, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू।